ऑफकोर्स ये नेहरू का हिमालयन ब्लंडर था, और नेहरू का जो फेवरेटिज्म था कि मिस्टर मेनन को वो जिस तरीके से mid-50s में वापस लेके आए इंडिया में, फिर उनको इलेक्शन लड़वाया और उनको डिफेंस का पोर्टफोलियो दिया, जबकि ज़्यादा दिलचस्पी उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स में थी। प्रॉब्ली ही कुड हैव बीन मोर सूटेड देयर। और डिफेंस में जिस तरीके से मेनन का अपना फेवरेटिज्म चलता था, इसके बारे में तो बहुत विस्तार से बात होती है और होनी भी चाहिए। गलतियों के बारे में जब तक खुल के बात नहीं होगी, तब तक उनको सुधारा नहीं जा सकता फ्यूचर के लिए। ये जनरल कॉल को जो ईस्टर्न थिएटर में भेजने का फैसला था, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। पहले तो जनरल कॉल ओरिजिनली वाज फ्रॉम एएससी, आर्मी सप्लाई कॉल, बाद में ये इन्फेंट्री में आ गए। अब जनरल कॉल कृष्णा मेनन और ये नेहरू ट्रॉयका था। नेहरू कृष्णा मेनन के ऊपर सब छोड़ रहे थे, पूरा विश्वास था। जी कॉल का इरादा था आर्मी चीफ बनना, वो इनका एम्बिशन था। अब जनरल उनको थापर के बाद जी, अब उनके उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में कौन कौन है, तो रास्ते में था पहले तो जनरल थोराट था, फिर उसके बाद जनरल मानेकशॉ। अब जनरल मानेकशॉ सबसे बड़ा कांटा था उनकी करियर के बीच में, तो इन्होंने कृष्णा मेनन के साथ आना जाना शुरू कर दिया। फिर कृष्णा मेनन ने नेहरू को बताया कि ये एक अफसर है जो ऊपर जाएगा, मतलब ही हैज गॉट पोटेंशियल। जब ची लड़ाई हुई उस समय, ये जो फोर कोर है, ये फोर कोर उस समय नहीं था, ये नया कोर रेस किया था, और उस कोर को कमान करने के लिए इन्होंने जनरल कॉल को भेजा। और दूसरी बात यह है कि लड़ाई से पहले अर्ली 62 में आपका डिफेंस मिनिस्टर था काटजू, अगर आपको मालूम है। तो जी जस्ट ये मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर 62 में नेहरू ने कृष्णा मेनन को डिफेंस का पोर्टफोलियो ले लिया। अब कृष्णा मेनन का ये था, ये मेरे ख्याल से अगर कहीं उनका ये कर सकता हूं, तो वो ट्रंप की तरह थे, किसी की बात सुनते नहीं थे, वो अपनी ही बात सुनते थे, और खास करके फौजी सीनियर ऑफिसर को के साथ उनका मिलाप बिल्कुल ठीक नहीं था। फिर जब लड़ाई शुरू हुई, जनरल कॉल सिचुएशन को कंट्रोल में ला नहीं सके, क्योंकि उनके पास टेक्टिक्स ही खराब थी। वो उन्होंने जाके प्लानिंग ये किया कि नामकाचू रिवर है, एक नदी है, और वो वैली है, एक साइड पे हिल टॉप के ऊपर चाइनीजों ने पोजीशन लगाई। जब इन्होंने प्लानिंग किया तो अपनी फौजों को बीच में अपने मतलब वैली में पोजीशन लेने को बताया। अब यही आप सुनिए कि दुश्मन ऊपर है, हम नीचे हैं, ये कौन सी प्लानिंग हो सकती है, या इस तरह से लड़ाई कैसे लड़ी जाए। और जब सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो वो बीमार हो गए और दिल्ली पहुंच गए, कमांड बीच में छोड़ के चले गए। बीच में छोड़ के चले गए, और दिल्ली में हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो ऑर्डर दे रहे थे और डायरेक्शंस दे रहे थे। आप ये मुझे बताइए कि जब तक एक अफसर, जब तक एक लीडर ग्राउंड में, जहां लड़ाई हो रही है, जहां सिचुएशन है, वहां अगर हाजिर नहीं है, तो उसको क्या पता कि क्या हो सकता है।